हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको BEML कंपनीज की डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस स्टॉक की कीमत 1780 रुपये और एक दिन में 3% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 9% की गिरावट देखने को मिली। 1 महीनों में 13% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। 6 महीनों में 31% के रिटर्न दिए। ईयर टू डेट में 82% के पॉजिटिव रिटर्न। 1 साल में 109% के पॉजिटिव रिटर्न दिए और पिछले 5 सालों में 83% के पॉजिटिव रिटर्न। और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 7073% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए? जैसा कि आप यहां चार्ट पैटर्न देखते हो तो काफी वोलेटिलिटीज में हमें ये स्टॉक्स देखने को मिला। इस स्टॉक्स में काफी टाइम्स गिरावट देखने को मिली, जैसे कि 2013 में, 2020 में एंड उससे पहले अगर हम देखें 2009 में। उसके बाद इस स्टॉक्स ने काफी रिकवरी दिखाई है। तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? बात करते हैं कंपनीज के टेक्निकल पे, फिर बात करेंगे हम कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो कंपनीज को चार्ट को हम देख, जैसा कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न हम देखते हैं, और मैंने कि आपको बताया है कि जब भी आप चार्ट ओपन करो तो पहले मंथली, वीकली, डेली चार्ट ओपन करो, ताकि आपको एक व्यू पता लग सके कि स्टॉक में क्या चल रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो क्या है। जैसे कि हम इसका यहाँ पे ट्रेंड्स देखते हैं तो स्टॉक का जो ट्रेंड था, एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था, कंटिन्यूस अप तेजी हमें देखने को मिली। और अब यहाँ आप देखते हो एक शूटिंग स्टार कैंडल्स हमें देखने को मिली है। तो जब भी मंथली चार्ट पैटर्न पे एक शूटिंग स्टार कैंडल्स देखने को हमें मिलती है, वहां हमें एक्टिव हो जाना है। बिकॉज इस स्टॉक्स में या जब भी ऐसे चार्ट पैटर्न्स में शूटिंग स्टार कैंडल्स देखने को मिलती है तो वहां गिरावट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इससे पहले कि अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ मंथली चार्ट पैटर्न पर कई बार शूटिंग स्टार कैंडल्स हमें देखने को मिली, यहाँ पर, यहाँ पर, और देन आप यहाँ देख सकते हो जैसे ही इस ट्रेंड लाइंस को, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो इस स्टॉक्स में कितनी हमें गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट मंथली सपोर्ट ये वाला था, जैसे ही इसने एक बेरिश कैंडल्स के साथ इसको ब्रेक किया, देन आप यहाँ देख सकते हो 900 रुपये का स्टॉक कहाँ तक हमें देखने को मिला, मात्र 100 रुपये हमें देखने को मिला। तो ऐसे ही आपको ये देखना है, 120 रुपये 100 तक देखने को मिला। जैसे ही अगर आप यहाँ देखते हो मंथली चार्ट पैटर्न पर, ऑलमोस्ट ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। अभी आप यहाँ देखते हो तो रेजिस्टेंस लेवल को इसने प्रॉपर ब्रेक नहीं किया है। अगर इसको बुलिश कैंडल्स के साथ इसको ब्रेक करता तो इस स्टॉक्स में और भी हमें तेजी देखने को मिल सकती थी, बट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल्स देखने को मिली है तो यहाँ पे अब बेयरिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इससे पहले भी आप यहाँ देखो तो ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल्स हमें देखने को मिली, डोजी कैंडल्स के बाद इनडिसीजन कैंडल्स हमें देखने को मिली, उसके बाद कंटिन्यूस हमें गिरावट देखने को मिली। तो हम बात करें यहाँ पे वीकेंड चार्ट पैटर्न पर, तो वीकेंड टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ देखते हो तो इस स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिली थी। और आप यहाँ पैटर्न्स अगर थोड़ा समझते हो तो मैं आपको पैटर्न्स भी समझा देता हूँ। ऑलमोस्ट इसका एक जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ये वाला था और सपोर्ट लेवल था ये वाला था। अगर यहाँ पे आप यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न्स बनाते हो तो इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिला था। जैसे ही इस ट्रायंगल पैटर्न्स को इसने प्रॉपर ब्रेक किया, देन स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिली। उसके बाद काफी तेजी होने के बाद यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल्स हमें देखने को मिली, दूसरी कैंडल्स यहाँ पे बियरिश है। तो इस स्टॉक्स में अब गिरावट होना तय है, अभी इस स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें एक डोजी कैंडल्स देखने को मिली, उसके बाद कंटिन्यूस बियरिश हमें देखने को मिला, और एक इसने जो रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इससे पहले अगर आप यहाँ देखो तो ये इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे इसने ब्रेक किया इस स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिली। बट अगर आप यहाँ डेली टाइम फ्रेम के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम को देखते हो तो वो भी यहाँ पे हमें बेरिश ही देखने को मिला है। अगर आप यहाँ देखो एक ट्रेंड लाइन्स अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो आप ये देखो ऑलमोस्ट ये वाली ट्रेंड लाइन्स इसने प्रॉपर ब्रेक की है, इसके बाद स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट इसका जो व्यू मुझे लग रहा है वो बियरिश ही है। अगर आप इसमें बाय की तरफ जाते हो तो वहां पे काफी फंस सकते हो। तो बात करें कंपनीज के यहाँ पर फंडामेंटल्स, तो कंपनीज के फंडामेंटल्स को हम यहाँ देखें तो कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेल कोचेज स्पायर्स पार्ट ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट्स इन बेंगलोर कॉम्प्लेक्स, यानी कंपनीज जो है रेल के कोचेज स्पेयर पार्ट्स होती है उनको मैन्युफैक्चरर्स करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,432 करोड़ का है। करंट प्राइस 1700 रुपये, स्टॉक का लो 800 रुपये था, हाई 2000 रुपये का बनाया। स्टॉक का प्राइस अर्निंग PE की बात करें 72.8 है, बुक वैल्यू 509 रुपये,
डिविडेंड यील्ड 0.34%, कंपनीज बहुत कम डिविडेंड दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3%। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये, डेप्ट इक्विटी 0.34। कंपनीज का डेप्ट काफ़ी कम है। अब बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहाँ पे हमें नेगेटिव से पॉजिटिव देखने को मिले। उससे पहले कंपनीज को प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो कंपनीज को प्रॉफिट 102 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले कुछ ईयर्स में कंपनीज को काफ़ी कम प्रॉफिट देखने को मिला था। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो कंपनीज के जो रिजर्व्स हैं वो भी कंटिन्यूस हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिले। उससे पहले कंपनीज के जो प्रॉफिट्स थे बढ़ते हुए देखने को मिले थे। बोरिंग्स की बात करें तो कंपनीज का बोरिंग्स भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला है। कैश फ्लो के स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव देखने को मिला। अगर हम इस कैश फ्लो नेगेटिव होने का रीजन हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तो कंपनीज ने यहाँ पे असेट्स परचेज किए 52 करोड़ की। उसके बाद हम यहाँ देखें यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कंपनीज ने जो डिबेंचर्स है उनका रिडम्पशन किया, इस वजह से हमें जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव देखने को मिला। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो 54% के स्टेक्स प्रमोटर्स के पास है। FIIs के पास 2% के स्टेक है, DIIs के पास 21% के स्टेक है, और पब्लिक के पास 21% के स्टेक्स है। तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? दी दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए अच्छा स्टॉक है, रेलवे सेक्टर्स में ये जब कोचेज बनाती है, बट इसमें काफ़ी वोलेटिलिटीज़ हमें देखने को मिली। जैसा कि आप यहाँ देखते हो, कंपनीज में काफ़ी वोलेटिलिटीज़ हमें देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो काफ़ी वोलेटिलिटीज़ आपको देखनी पड़ सकती है। तो इस क्या आपके पास ये स्टॉक है, नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।